दोस्तों वचन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो गाइस फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है iPhone 30 Pro Max और आज के इस वीडियो के अंदर इसी फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। दोस्तों इसका जो कहानी है बहुत ही लंबी कहानी है क्योंकि यार इसको लेने के लिए जो ना मुझे काफी पापड़ बेलना पड़ा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक नंबर लगा हुआ मिल नहीं रहा है। लेकिन फाइनली दोस्तों मुझे मिल चुका है। ये ऑफलाइन मैंने कुछ दिन पहले मुंबई गया था और वीडियो थोड़ा बहुत क्वालिटी नहीं आ रहा था तो इसी वजह से थोड़ा काम था तो गया था मुंबई। तो मैंने फाइनली मुंबई से ऑफलाइन मैंने परचेज किया हूं जैसे कि iPhone 30 Pro Max और इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और देखेंगे कि क्या-क्या आपको दिखने को मिलता है, इसका क्या एस्पेक्ट्स है, सर सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, काफी मजा आएगा और प्लीज अनबॉक्सिंग वीडियो को जरूर सपोर्ट करना। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये रहा बॉक्स पैकिंग जो iPhone 30 Pro Max है और कुछ इस तरह से आपको सील पैक देखने को मिल जाए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन मिलेंगे तो कुछ तरह से मिलेगा। तो चलिए फटाफट इसे जो ना अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और यहां पे सील पैक को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको रैपर को हटाना पड़ेगा, तो चलिए यहां पे हटा देता हूं, ठीक है, और काफी आसान होता है। तो इसको भी को हटाने के बाद दोस्तों इसको भी यहां पे कटिंग कर लेते हैं सील पैक को, ठीक है, और इसको भी यहां से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी बड़ा आराम से प्रेम से यहां पे सील पैक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और जैसे ओपन करने के बाद इसको भी हटा देते कुछ इस तरह से सील पैक को जैसे कि आप देख रहे हैं। और हटाने के बाद चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब, मतलब यार काफ़ी कूल सा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स पैकिंग यहाँ पे किया हुआ है। तो iPhone 30 Pro और Max यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे साइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लाइनिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको ये केबल देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया जो आप डिजाइनिंग बाय कैलिफोर्निया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एप्पल आपको कुछ भी नहीं देता, एडेप्टर आपको देता ही नहीं है जो आप लोग को पता हो, काफ़ी दो टाइम से तो यहाँ पे तो दे नहीं रहा है। और बॉक्स भी पैकिंग कुछ इस तरह से सिंपल कर दिया गया, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये iPhone 30 Pro Max यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने गोल्ड कलर में मंगाया और काफ़ी स्लिम है। और दोस्तों यहाँ पे इसका वजन भी टेस्ट करने वाला कि कितना भारी देखने को मिल रहा है, तो इसको भी रैपर को हटा लेता और ये पेपर है जैसे कि आप देख रहे हो, इसको हटा दिया हूं। और हटाने के बाद दोस्तों OMG, मतलब यार काफी गुडनेस है, काफी मतलब कि लुक के मामले में काफी कमाल का दिखने को मिला। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ग्लास दिया जाए, बॉडी जो ग्लास दिया गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा फिंगर दिखने को मिला, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो फिंगर यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि आप नजर आता होगा फिंगर दिखने को मिल रहा है। तो चलिए इसे वजन में पहले यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ कि इसका जो वजन है कितना यहाँ पे दिखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है, आपके सामने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे 200 मतलब कि लगभग 240 ग्राम का यहाँ पे देखने को मिला है, जैसे कि आपके सामने 240 ग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका वजन थोड़ा सा हेवी है, फोन वजन के मामले में तो iPhone 30 Pro Max तो काफी ज्यादा हेवी हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि मेरे पास जो ना यहाँ पे iPhone 12 Pro Max है और iPhone 30 Pro Max दोनों हमारे पास फोन है। अगर आप चाहते हैं कि इस दोनों का मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें क्या क्या डिफरेंट दिखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों सेम टू सेम iPhone 12 हो या iPhone 30 हो, सेम टू सेम आपको डिजाइनिंग आपको मिल जाता है। लेकिन 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 iPhone 30 Pro Max है ना बिल्कुल अपग्रेड वर्जन है, डिजाइन के मामले में तो सेम मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर डाला गया ना बिल्कुल खतरनाक लेवल का फीचर डाला गया, जो अगर आप चाहते कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे बात करेंगे iPhone 30 Pro Max की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों यहां पे एप्पल A50 बायोनिक चिप डाला गया, जो आपको iPhone 12 के अंदर आपको 14 डाला गया लेकिन इसके अंदर 15 डाला गया। तो इसका जो चिपसेट है काफी अपग्रेड वर्जन है, तो काफी अच्छी बात है। और 6GB के रैम देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे यहां पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले काफी बड़ा स्क्रीन है, 6.7 इंच का आपको स्क्रीन OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसका एक्सपेक्ट रेशियो की बात करो तो 1284x2777 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों इसकी रिफ्रेश रेट की बात करो तो यहां पे आपको रिफ्रेश रेट आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, यानी कि दोस्तों आपको 120 GB रिफ्रेश आपको देखने को मिल जाएगा, काफी खतरनाक लेवल का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और बेजललेस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पे बात करेंगे पीछे साइड के बारे में। तो दोस्तों मैंने पीछे साइड की बॉडी के बारे में तो मैंने बता दिया कि पूरा आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है, वो भी प्रोडक्शन गोरिल्ला ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। बात करेंगे यहां पे कैमरे के बारे में। तो दोस्तों इसका जो कैमरा थोड़ा सा बंप यहां पे उठा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल जाता है, तो कैमरा काफी खतरनाक अपग्रेड वर्जन है यहां पे। तो सबसे पहला जो कैमरा यहां पे दिया गया ना, यहां पे देख सकते हैं कि आपको तीन कैमरा दिया गया और सब तीन कैमरा 12-12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो जो फीचर डाला गया, तो सबसे पहला जो 12
मेगापिक्सल मिलता है ना, वो वाइट एंगल प्रीमियम कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइट एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो कैमरा मिलता है टेलीफोटो अप टू 15x जूम देखने को मिल जाएगा, अप टू 3x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी खतरनाक लेवल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो आपने एडवर्टाइजिंग भी दिखा होगा कि यार आपका पॉकेट में हॉलीवुड है, यानी कि हॉलीवुड की तरह जो ना आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते, जो काफी ओपी लेवल का अपग्रेड वर्जन है जो कैमरे के अंदर किया गया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको डबल फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पे बात करेंगे कैमरे के फीचर के बारे में कि कैमरे के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिल जाता। तो ये दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि आपको स्लो मोशन और सिनेमैटिक, मैं आपको बताया था ना कि हॉलीवुड की तरह जो ना आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो आप फोकस काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिल जाता है। सिनेमैटिक हो गया, वीडियो हो गया, फोटो हो गया और पैनोरामा मोड हो गया, तो आप कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो काफी कमाल का फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ सैंपल भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सामने कैमरे के बारे में। तो दोस्तों ये जो सेल्फी कैमरा जो मिलता है ना 12 मेगापिक्सल का, आपको वाइट एंगल आपको लेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। रिटिना फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों के अंदर भी आपको जो ना 4K 24fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते, बड़ी आसानी से सेल्फी भी आप सेल्फी फ्रंट कैमरे से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सैंपल वीडियो वगैरह भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहना, ठीक है। और बात करेंगे आप पे बैटरी के बारे में। तो बैटरी के अंदर भी अपग्रेड किया गया, जो आपको 4352 mAh आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते तो आपको 20 वाट का जो ना एडाप्टर होना चाहिए, तभी आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जनरल आपको मिल जाता है नैनो सिम कार्ड और ई सिम कार्ड आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, जो काफी कमाल किया। मेरे पास 28GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB का रैम मैंने यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। तो ये सब सारा चीज आपको फीचर देखने को मिल जाता है, जो काफी कमाल का फीचर इसमें अंदर डाला गया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों फिजिकल की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, 9 पोर्ट आप चार्जिंग लगा सकते हैं जो यहाँ पे पीछे साइड के अंदर, ये साइड के अंदर आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा, ये साइड के अंदर वॉल्यूम अप बटन डन बटन मिल जाएगा, सिम निकाल करके यहाँ से लगा सकते हैं नैनो सिम कार्ड, और यहाँ से आपको साइलेंट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको काफी कमाल का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं सेटअप कर लिया पूरा, देख सकते कि मैं यहाँ पे सेटअप कर लिया, अनलॉक कर देता हूँ। और सेटअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते कि आपको जो काफ़ी रिफ्रेश है, मतलब यार काफ़ी फील, जो मैं आईफोन 12 भी यूज़ किया हूँ तो उसका जो स्क्रीन मैं यूज़ कर रहा था, मतलब कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं स्क्रीन को स्वाइप अप कर रहा हूँ ना, तो उसके अंदर और इसके अंदर रिफ्रेश जो है ना काफ़ी फास्ट कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलता है 60 आपको रिफ्रेश रेट दिखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर 120 मिलता है, तो डबल कर दिया गया। तो रिफ्रेश काफी खतरनाक लेवल का आपको दिखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अपडेट भी दिखने को मिल जाएगा, आईफोन मतलब कि 15 आपको दिखने को मिल जाएगा, iOS 15 आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी अपडेट भी आ चुका है, तो आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको दिखने को मिल जाएगा, सेम टू सेम जो आपको आईफोन 12 के अंदर सेटिंग है उसी तरह से आपको मिल जाएगा। लेकिन अंदर इसके अंदर जो फीचर डाला गया बिल्कुल ओपी सा फीचर डाला गया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया हूं, अगर आप चाहते कि कंपैरिजन वीडियो में बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारे पास है तो मैं बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि यार आप लोग अगर आप सॉफ्ट करने के लिए मोबाइल ले रहे हो ना, तो फिर मेरे हिसाब से जो है ना आईफोन 12 बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप जो है ना फीचर के लिए मर रहे हो, तो फीचर के लिए आईफोन 30 प्रो मैक्स बिल्कुल खतरनाक है, ओपी लेवल का आपको देखने को मिल जाता है, ये सब चीज आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों यहां पे बात करेंगे कैमरे के बारे में, थोड़ा सा कैमरा का फोटो वगैरह ले लेता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने बैक कैमरा का वो फोटो लिया था पीछे कैमरे का, और देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है वाइट एंगल, टेलीफोटो और यहां पे आपको लेंस वाला फोटो। तो तीनों फोटो मैंने अलग अलग एंगल से लिया हूं, जो ऐसे आप देख सकते हो, जो काफी खतरनाक ओपी लेवल का यहां पे फोटो आया है, जो आपके स्क्रीन पे दिखने को मिल जाता, काफी अच्छे से अपग्रेड किया गया और कैमरे के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहां पे बात करेंगे सेल्फी के बारे में, तो सेल्फी का भी फोटो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिल जाएगा, सेल्फी का भी फोटो आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों बस ये था छोटी सी अनबॉक्सिंग, छोटी सी वीडियो, जो मैंने आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया हूँ कि आईफोन 30 के अंदर क्या क्या अपग्रेड, क्या 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 फीचर देखने को मिल जाता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी चीज़ सवाल पूछना चाहती है आईफोन 30 प्रो मैक्स की, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों बस ये सही था आप सभी को बताना था इसी वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल भी कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने ख्याल लेकर टेक केयर एंड।